अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक नए ब्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो क्योंकि मैं ज़रा सुबह ऑफिस चला जाता हूँ, सुबह 8 से 2 बजे तक जो रमज़ान का टाइमिंग है, तो मैंने जो मेरा छोटा बेटा अब्दुल्ला है उसकी मैंने ड्यूटी लगाई हुई है कि थोड़ा सा ज़रा पीछे इनका ख्याल रखे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसमें काफ़ी जानवर जो हैं वो बच्चे हैं, कुछ सेंसिटिव हैं और बिल्ली का भी डर रहता है यहाँ पे। तो आज मुझे अब्दुल्ला बता रहा था कि जो छोटे डक्स लेके आए हैं उनको ये जो फैंसी मुर्गी हैं ये उन्होंने आज काफ़ी उनको मारा है, तो उनकी आज काफ़ी खातर तवाज़ा हुई है, उनको काफ़ी मार पड़ी है। तो सेकेंडली ये कि जो है वो अब्दुल्ला ने अब उसको चेंज कर दिया है, जो वो ये लके कबूतर वाला जो है जो खाना उसमें इन्होंने इनको शिफ्ट कर दिया है। और अब्दुल्ला अभी मैंने जैसे आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम एक जो है वो बिल्ला और बिल्ली का एक पेयर लेके आ रहे हैं, तो अब्दुल्ला गया हुआ था वो लेने के लिए और रास्ते में उसको कुछ वहाँ पे डक्स भी मिली हैं, तो वो डक्स के बच्चे भी ले आया है। उसकी वीडियो जो है वो इसमें मैं आपको शेयर कर दूँगा, जो इनकी पटाई हुई है बतख के बच्चों की और जो अब्दुल्ला वहाँ से जो लेके आया है डव के बच्चे और जो बिल्ली को लेने गया था उसकी वीडियो भी जो बनाई है वो भी हम इसमें आपको शेयर कर देंगे। तो चले आए व्यूअर्स, जैसा कि हमने ये रखी हुई हैं बतखें वगैरह, तो बाबा ज़्यादातर घर पे नहीं होते, मैं ज़्यादातर घर पे होता हूँ, तो इनको मैं ही देखता वगैरह हूँ कि बिल्ली वगैरह ना आ जाए या इस तरह का कोई मतलब ना हो इनको नुकसान। तो मैंने अभी देखा है कि मुर्गियाँ जो हैं वो ना वो डक्स के बच्चों को मार रही थी, तो इस तरह उसमें जाली भी है जो यहाँ से वो वहाँ भी चले जाती हैं कबूतरों वाली साइड पर, वहाँ से यहाँ भी आ जाती हैं, तो अभी वो इनको मार भी रही थी, तो मैं सोच रहा हूँ इनको ना शिफ्ट कर दें दूसरी साइड पे। इसीलिए जो है ना ये सारे इस कोने में आगे खड़े हुए हैं क्योंकि वो उनको बार बार मार रही है ना, उनको खाने दे रही है ना पीने दे रही है। तो अभी जो है इनको निकालते हैं। आजो 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 आजो, अभी जो है ये एक छोटे बच्चे हैं, इन्होंने तो टिकना नहीं है किसी साइड पे, ये तो ऐसे घूमते रहेंगे निहार नहार हैं। मैंने जो है वो जाली बांध दी है, दरमियान में जाली को बांध दिया है, अब इनको कबूतरों वाली साइड पे शिफ्ट करते हैं ताकि मुर्गी जो है ना नुकसान ना पहुँचाएंगे, तो छोटे हैं मर भी सकते हैं। और दाना पानी भी आगे इसका पापा ही चेंज करेंगे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं वो सामने सुराख है जाली के अंदर, जिसको मैंने अभी फ़िलहाल बंद किया है, लेकिन इतना ज़्यादा बंद नहीं हुआ। अभी जो है वो पापा आगे लाइट वगैरह देखते हैं तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ उनके बारे में, तो वो इसको प्रॉपर तरीके से बंद भी करेंगे या इनका केज अलग मंगवा के उनमें इसको डालेंगे। आई थिंक पापा ने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि हम एक बिल्ली का पेड़ ला रहे हैं, तो अभी जो है चलते हैं वहाँ पर, तो रस्ते में मार्केट भी आती है, यहाँ तो डक के बच्चे लेकर आएंगे, यहाँ मुर्गी के बच्चे कुछ देखेंगे वो लेकर आएंगे, यहाँ इनसे कोई खूबसूरत चीज़ और पसंद आई तो वो भी इंशाल्लाह लेकर आएंगे। बाबा जो है वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे और पिंजरे वगैरह लगाएं, तो उन्हें फिल करने के लिए जो है हम और लेकर आते हैं ये नई नई चीज़ें, तो अभी चलते हैं फिलहाल कैट लेने के लिए। मार्केट पहुंच चुके हैं भाई, बाइक लगाते हैं तो ये देखेंगे अभी अभी यहाँ पे उतरी हैं बाइक से और इतनी प्यारी कैट सामने नज़र आ गई है, लेकिन अभी जो है हम भी लेने कैट ही जा रहे हैं दोस्त से, लेकिन फ़िलहाल मार्केट में कुछ और देखते हैं क्योंकि कैट्स तो पहले ही बड़ी ज़्यादा हो गई, घर वालों से डांट पड़ेगी। आगे चलते हैं। ऐसे कबूतर पहले भी हैं हमारे पास माशाल्लाह। कि अभी जो है यहाँ पे सब चीज़ें बड़ी बड़ी हैं, डक्स भी बड़ी बड़ी हैं, तो अभी हमने आगे जाना है एक मार्केट वहाँ भी है, तो वहाँ पे चलते हैं फिलहाल क्योंकि यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे जाके देखते हैं क्या पसंद आता है। मार्केट में जो है न्यू वाली आ गए हैं हम लोग, पहुँच चुके हैं, तो डक्स के बच्चे देखने हैं भाई देख रहे हैं, पिछली मार्केट में भी हमें पसंद आए हैं 2-3 चीज़ें, वो भी इंशाल्लाह लेके जाएंगे, तो
डक्स के बच्चे ये रहे। तो ये कुछ देख रहे हैं इनमें से जो छः छः वो निकाल लेते हैं। ये चूजे नहीं है, ये पकड़ो। वो लास्ट वाले को पकड़ो, कोने में जो है लास्ट लास्ट। हाँ ये वाला। इसे देखते हैं आप, दो जो है वो निकाल ली हैं, बाकी देखते हैं। बड़ी स्पीड है, कितने हिसाब से चेक कर रहे हैं इसे। ये जी पूरे हो गए हैं हमारी चीज़ें जो हमने लेनी थी यार। ये भी ले लेते हैं यार, अच्छी लग रही है मुझे बड़ी ज़्यादा। ये भी ले लो, ये भी ले लो, अच्छी लग रही है। ये जो है हम डन कर लिए हैं, ये ले लिए बतख के बच्चे हैं और चूजे। चलो अब इनको जाके इनके दोस्तों के पास छोड़ेंगे छत पे। यार ये भी बड़ा पसंद आया, एक एक्टिव बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसको भी निकाल लेते हैं। कौन सा वाला? ये रहा, इसे भी डालो। आज एक और है गाजे। यार ये तो ले लिए हैं, अब देखते हैं कोई और चीज़ पसंद आती है तो वो भी परचेज करते हैं। देख रहे हैं, नहीं तो सीधा चलते हैं हम अपनी कैट्स लेने के लिए। तो चलिए आए, मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी नए डग्स के बच्चे लेके आया, आपको वो दिखाता हूँ। अच्छा ये देखें, ये अब्दुल्ला कुछ लगता है चिक्स भी ले आया है, तो बड़े खूबसूरत ये तो देसी मुर्गी के बच्चे हैं माशाल्लाह। तो उम्मीद है ये भी यहाँ पे काफ़ी हैप्पी रहेंगे इनके साथ ही, तो इनको भी इनके साथ ही छोड़ देते हैं। ये देखें, ये देखें, आपको क्या मसला है छोटे बच्चे, उनके साथ छोड़ो इनको। देखो उनके साल भर भी तो वो खुदा अंदर खाती पड़ा, उसमें रख देते। जी भी बस, तो अब ये डक के जो बच्चे और चिक्स हम लेके आए ना, हमने ये फैसला किया कि हमने इनको अब उनके किसी के साथ नहीं बंद करना। तो ये मेरे पास एक केज एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो अब इन सबको हम इसमें अलग से रखेंगे ताकि ये इसमें खुश रहे और इसमें इनको कोई नुकसान का डर भी ना हो। और सेकंड ये कि अब अब्दुल्ला जो उसकी मैंने ड्यूटी लगाई है, इंशाल्लाह जो है अब मेरी गैर मौजूदगी में वो सारी वीडियोज़, क्योंकि अब हमने डेली आपको जो है इसकी सारी एक्टिविटीज बताया करेंगे, तो वो अब्दुल्ला जो है वो सारी इसकी वीडियो तैयार किया करेगा ताकि आपको डेली इसका व्लॉग मिलता रहे। और आज भी सारा अब्दुल्ला ने मेरे पीछे सारा ये उसकी वीडियो बनाई है, तो काइंडली आपकी हौसला अफजाई के लिए हम मुंतज़िर रहते हैं।
तो काइंडली जो है अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अब्दुल्ला की ये वीडियो कैसी लगी है। तो अभी ये सारे डक्स को जो है हम इसमें शिफ्ट करेंगे और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। और जो हम कैट का पेयर लेके आए हैं वो अभी हम आपको उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको हम दिखाएंगे कि वो दोनों जो कैट्स हैं वो कैसी हैं और उनका यहाँ पे हमने उनको कहाँ पे उनको उनका घर बनाया है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको सारा हम वो दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह दोबारा अगली वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसको बेटा भी खाने पर नहीं देखते क्या? बंद करना चाहिए, वो अंदर रख देते हैं। Ooh, ooh.